यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इंटरेक्टिव टॉक सेशन का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स काउंसिल, बिजनेस स्कूल और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के जेरे एहतमाम तकरीब में ताल्लुकात बेहतर बनाने में जहानत के मौजू पर गुफ्तगू की गई। प्रोरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर जफरउल्लाह का कहना था कि तलबा की रहनुमाई और सलाहियतों को निखारने के लिए ऐसी तकरीबात लाजमी है। Success in life, for your personal well-being, for your interpersonal relationship, for your organization, career, growth, for teamwork, for leadership and all that. It plays a very important role. बैनुल अक्वामी मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शुवाना मुफ्ती ने तलबा को जहानत के बेहतरीन इस्तेमाल के जरिए रिश्तों और जिंदगी को निखारने के गुर बताए। फर्स्ट स्टेप टू इंक्रीज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, यू नीड टू आइडेंटिफाई द इमोशन। सबसे पहले जब वो सर्च किस्म का एक इमोशन आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर आ रहा है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड स्टेप, उसको लेबल कीजिए कि ये कौन सा इमोशन है। इज दिस आई एम सैड। तलबा तालबात ने इंटरेक्टिव सेशन के इनेकाद को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि ऐसे इवेंट से जहनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए दुरुस्त फैसला साजी में मदद मिलती है। आज यहाँ पे गुफ्तगू और स्टूडेंट के जिस तरह के क्वेश्चन आंसर थे, सेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे ख्याल में इस तरह के टॉपिक्स पे डिबेट्स होनी चाहिए। दिस इज द वेरी गुड थिंग, यूनिवर्सिटीज शुड अरेंज दिस काइंड ऑफ इवेंट्स एंड प्रमोट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तकरीब के अख्ताम पर प्रोरेक्टर डॉक्टर जफरउल्लाह ने डॉक्टर शुवाना मुफ्ती को इजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज।